फिर से हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की, हम बात कर रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस की। डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन आज हम देखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे हमारे पास जो फिजिकल कांस्टेंट होते हैं उन फिजिकल कांस्टेंट का हम यूनिट और हम डायमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन है, देयर इज सेकंड एप्लीकेशन जिसमें हम बात करने वाले हैं टू फाइंड the unit and dimension formula of physical constant। okay, कैसे हम example लेते हैं। जैसे हमारे पास में है, अगर एक बॉडी जिसका मास है m1 और दूसरा बॉडी जिसका मास है m2, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स F, और इस पे भी F लगेगा, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है g m1 m2 / r2। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r गिवन है तो यहाँ पर ये जो g है इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस g इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻¹¹। अब यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? तो यूनिट फाइंड करने के लिए हम यहाँ से जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो होगा एफ इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो एफ फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वेयर मीटर स्क्वेयर, और m1 m2 मतलब kg × kg, kg² सो दैट इज kg². ओके, तो अगर हम ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी का यूनिट देखें तो वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg². अब हम डायमेंशन फार्मूला फाइंड करते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे? न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला होता है mLt-2। ओके, मीटर का हो जाएगा l² और kg का हो जाएगा m². ओके, kg² का m² हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो m⁻¹, l⁻³ और t⁻²² हमको मिलेगा। तो इस तरीके से हम जी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, यूनिट फाइंड कर सकते हैं। यही सेकंड एप्लीकेशन है। और हम आगे कांस्टेंट देखते हैं। जैसे हमारे पास में एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ये कॉन्सेप्ट सभी आपको लिख लेना है। हमारे पास में एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है, PV इज इक्वल टू nRT। पी का मतलब प्रेशर, ओके, वी का मतलब वॉल्यूम, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, और टी का मतलब है टेम्परेचर। ओके, तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रेशर पी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रेशर मतलब कि फोर्स अपॉन एरिया। ओके, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब। यहाँ मीटर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल होगा तो हमको मिलेगा न्यूटन मीटर, जो कि होता है जूल के बराबर। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, वो ये कि अगर हमने प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किया तो हमको जूल मिलता है। क्या मिलता है? जूल। अगर हमको आर, जो कि है आइडियल गैस कांस्टेंट, इसे हम कहेंगे आइडियल गैस कांस्टेंट, इस आर का वैल्यू अगर हम देखें तो एसआई सिस्टम में इसका वैल्यू होता है 8.31। What is the value in SI system? It is 8.31. And what should be the unit? So to find the unit of this R, what you can use? You can use this equation. And this equation saying that R equal to PV divided by NT. So this P, हमने अभी देखा P, P का unit कितना होगा? Joule. Okay. Divided by mole. N का unit क्या होगा? Mole. और टी का यूनिट केल्विन। ओके, तो यहाँ से
हमको इस आर का यूनिट मिलता है जूल पर मोल पर केल्विन। अब डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो जूल का डायमेंशन फार्मूला होगा एम एल टू टी माइनस टू, मोल का डायमेंशन फार्मूला मोल ही होता है ओके, और केल्विन का डायमेंशन फार्मूला थीटा बोले तो टेम्परेचर। तो यू कैन राइट इट लाइक एम एल टू टी माइनस टू मोल माइनस वन एंड थीटा माइनस वन, दैट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर दिस आइडियल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 8.31। यू कैन राइट 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल कांस्टेंट होगा तो उसका हम यूनिट और डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। ये फिजिकल कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम फिजिकल इक्वेशंस में फिजिकल वैल्यू, फिजिकल न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने में हम इन फिजिकल कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, और फार्मूला डिराइव करना है अगर हमें तो हम यहाँ पर फिजिकल कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा। तो हमारे पास में कुछ फिजिकल कोफिशिएंट भी होते हैं ओके, जैसे एक और हम कॉन्सेप्ट देखते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ओके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना। हम यहाँ पर सेकंड